तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल के टॉप इनोवेशंस की। अगर मैं इसराइल को टेक्नोलॉजीज का हब बोलूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तो इसराइल दुनिया के अंदर बहुत यंग नेशन है, पर इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनोवेशंस दुनिया को दिए हैं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इनोवेशंस की बात करेंगे जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज कर दिया है। सो आज की इस लिस्ट में सबसे पहला इनोवेशन है यूएसबी फ्लैश डिस्क, जिसका कि पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो गाइस यूएसबी फ्लैश डिस्क का जो काम है वो है डेटा का बैकअप लेना, डेटा को ट्रांसफर करना। एंड गाइस अगर आपके पास यूएसबी फ्लैश डिस्क है तो आप इजीली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी नेटवर्क और इंटरनेट। सो ये थी यूएसबी फ्लैश डिस्क, इसका सबसे पहले इनोवेशन इसराइल ने ही किया था। इसके बाद बात करते हैं सेकंड इनोवेशन की। तो गाइस सेकंड इनोवेशन है वेज ऐप। सो बेसिकली ये फॉर्म ऑफ जीपीएस सिस्टम है, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जिसने जो कि वर्ल्ड में तूफान की तरह छा गया। और आप आज गूगल जिस जीपीएस सिस्टम को यूज में लेता है वो वेज ऐप इसराइल की ही देन है। इसके बाद अगला इनोवेशन है वो है वोटर जेन। सो बेसिकली वोटर जेन का फुल फॉर्म है वोटर जनरेटर टेक्नोलॉजी। सो गाइस ये टेक्नोलॉजी लगभग 4 liters ऑफ वोटर जनरेट कर देती है फ्रॉम थिन एयर, यानी कि अगर आप इसको इन्वायरमेंट में रखते हैं तो ये आपको 4 liters पानी बनाकर दे देगी और वो पानी आएगा थिन एयर से, यानी कि एयर को लेता है ये एज ए इनपुट एयर, यहां पर आती है ये उस एयर को प्रोसेस करता है, उससे 4 liters पानी ऑलमोस्ट निकाल लेता है 1 kW एनर्जी के अंदर। इसके ऊपर काफी सारे इनोवेशन अभी भी चल रहे हैं, वैसे तो बन चुका है बट इसके अंदर काफी सारे इनोवेशन चल रहे हैं, नए नए कंपनीज इस पर काम कर रही है। और गाइज ये एक न्यू होप है वोटर के लिए। उसके बाद अगले इनोवेशन की बात करते तो गाइज अगला इनोवेशन मैं बोल सकता हूँ फायरवॉल टेक्नोलॉजी। सो आपने सुना ही होगा कि फायरवॉल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न को अगर देखें तो हम। तो पहला कमर्शियली वायबल फायरवॉल सॉफ्टवेयर था वो इसराइल ने डेवलप किया था 1993 के अंदर, और इसको इसराइल साइंटिस्ट ने चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर डेवलप किया था। उसके बाद अगली जो इनोवेशन है वो है पिलकैम। सो गाइज पिलकैम बेसिकली एक फॉर्म ऑफ कैप्सूल है, अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर अगर उस प्रॉब्लम को विदाउट ऑपरेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिंपली इस पिलकैम कैप्सूल को पानी के साथ लेना है, ये आपके पेट के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि डाइजेस्टिबल है एंड डिस्पोजेबल है। इस कैमरे के अंदर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अंदर से इमेजेस को एंड डेटा को बाहर एक रिसीवर को शेयर करती है, जहां पर डॉक्टर्स उस डेटा को देख सकते हैं और आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और गाइस ये पिलकैम इनोवेशन FDA ने अप्रूव कर दिया है यूज के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने लग रहा है। उसके बाद गाइस बात करते हैं अगले इनोवेशन की, तो ये है ICQ, यानी कि फर्स्ट स्टैंड अलोन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। सो आज वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजिंग ऐप है जैसे कि WhatsApp, Facebook, बहुत सारे हैं, बट गाइज सबसे पहला जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बना था वो बना था इसराइल के अंदर, जिसको ICQ नाम दिया गया था। एंड इसकी पहली रिलीज 1996 के अंदर इसराइल की सॉफ्टवेयर कंपनी मीराबिलिस ने की थी। एंड गाइज ये कंप्लीटली फ्री था डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद लास्ट इनोवेशन की बात करते हैं तो ये इनोवेशन है मोबिल आई। सो गाइज मोबिल आई का बेसिकली जो काम है वो रोड सेफ्टी प्रोवाइड करना है, और इसको ऑलमोस्ट मोर देन 25 ऑटोमोबाइल कंपनीज ने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो इसके ऊपर काम भी कर रही है। तो गाइज इसके अंदर आपकी कार के ऊपर कैमरास को इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो कि किसी भी तरह का अगर खतरा होता है आपकी कार को या डेंजर होता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कार, अदर कार और ऑब्स्टेकल्स, तो ये ड्राइवर को नोटिफाई कर देती है। तो गाइज इसको ऑलमोस्ट 25 कंपनियों ने अडॉप्ट कर लिया और वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। तो गाइज ये थी आज की कुछ इनोवेशंस जो कि इसराइल ने दुनिया को दी। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस तरह की काफी वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडुवानी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।